गाजीपुर नगर पालिका और नगर पंचायत के कुल 8 सीटों के लिए फिलहाल मतगणना चल रही है। सदर सीट की बात की जाए तो चौथे राउंड के बाद बीजेपी कैंडिडेट सरिता अग्रवाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिनेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनसे 1000 वोटों से आगे चल रही हैं। इसके साथ ही साथ मोहम्मदाबाद सीट की बात की जाए तो एसपी कैंडिडेट वहाँ करीब 2100 से ज़्यादा वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अन्य नगर पालिका और नगर पंचायतों की बात की जाए तो सैदपुर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 542 मतों से आगे हैं, जमानिया में बीजेपी कैंडिडेट 1821 वोटों से आगे हैं, दिलदारनगर में बीजेपी बेहतर परफॉर्म करती हुई दिख रही है, 53 मतों से बीजेपी कैंडिडेट आगे हैं, सादात में समाजवादी पार्टी लीड ली हुई है और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 164 वोटों से आगे हैं। वहीं बहादुरगंज की बात की जाए तो 528 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट लीड लिए हुए हैं। सदर सीट पर कुल 20 टेबल पर फिलहाल मतगणना चल रही है और अगर बात की जाए तो कुल 7 राउंड की मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अंतिम रूप से किस पार्टी के कैंडिडेट विजयी घोषित हुए हैं। फिलहाल बीजेपी की सरिता अग्रवाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिनेश यादव से 1000 वोटों से लीड लिए हुई हैं और यह अपडेट चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद का है।